किन्नौर जिले के नाथपा के पास पिछले छह दिनों से बंद एनएच 5 बहाल होने से हजारों लोगों और वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। प्राधिकरण ने अवरुद्ध मार्ग को बहाल करने की काफी कोशिश की, लेकिन बार बार पत्थरों के गिरने व बार बार भूस्खलन होने से काम करना मुश्किल हो गया था। आज नाथपा के साथ भूस्खलन से बंद एनएच बहाल होने से शिमला से किन्नौर और किन्नौर से शिमला की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही बहाल होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। ये देखिए, आपको सामने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। एनएच 5 पूरी तरह से बहाल किया है। मैं सभी गाड़ी के चालकों से निवेदन करता हूँ कि वो ध्यानपूर्वक चले, तथा यहाँ पर अभी भी हल्की हल्की पत्थरें गिर रहे हैं, तो आप सभी सावधानी के साथ चालक चले। मैं सर्वप्रथम प्रदेश के राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उनकी दूरदृष्टि सोच, जिस दिन भी यहाँ पर एनएच बंद हुआ था उसी दिन से एनएच के अधिकारियों के साथ मिलजुल कर नेगी जी ने शिमला से दूरभाष के माध्यम से और एनएच के अधिकारियों के साथ हर समय उनके साथ इस एनएच को बहाल करने के लिए निरंतर संपर्क में रहे। इसके साथ साथ हमारे टीएसी के मेंबर्स श्री केसर नेगी जी, श्री सुखदेव नेगी जी ने स्वयं 5 दिनों से यहाँ पर एनएच के अधिकारियों के साथ डटे रहे, और सभी बागवान आज बहुत ही खुश। इनका जो अपर वैली का जो सेब कुछ दिनों से फंसा था, वह सब अभी इन भारी ट्रकों के माध्यम से एनएच 5 के माध्यम से गुजरती हुई मार्केट की ओर जा रही है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं एक बार फिर से प्रदेश के राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उनके दिशा निर्देश पर ही एनएच के अधिकारियों ने दिन रात एक होकर के और मजदूरों ने, खास करके हमारे ऑपरेटरों ने, अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस मार्ग को बहाल किया है। फिर भी मैं सभी गाड़ी के चालकों से निवेदन करूंगा कि आप ध्यानपूर्वक चलें, और ऊपर से हल्की हल्की पत्थरें अभी भी गिरना शुरू है, आप सभी ध्यानपूर्वक चलें। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय किन्नौर, जय हिमाचल। हिमाचल प्रस्तुत रिकांगपियो से कुलभूषण नेगी की रिपोर्ट।